क्या कहने चाहेंगे, आज श्रद्धांजलि है, मोहम्मद अजीज साहब भी नहीं है और गाने का रिकॉर्डिंग है, तो किस तरह का शेयर करना? मेरे लिए तो आज एक कह सकते कि भावनाओं से भरा भरा मोमेंट है, उसके लिए सर मेरे लिए तो ये बहुत भावनाओं से भरा मोमेंट है, क्योंकि लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब जो ऐसे समय पे जहाँ किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा है, हमें छोड़ के चले गए दुनिया से, तो संगीत जगत को वैसे ही बहुत दुख हो रहा है, हर सिंगर हर म्यूजिशियन गहरे सदमे में डूबा हुआ है। तो ऐसे में आगम साहब का मुझे फ़ोन आया कि वो एक गाना करना चाहते हैं, गाना कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब की याद में, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो मैंने कहा, मेरे मन से ही आवाज़ आई कि उन्हें श्रद्धांजलि संगीत के रूप में, गायकी के रूप में आगम सर से अच्छा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये उन्हें पर्सनली जानते भी थे, उनके फैमिली मेंबर वो इनके फैमिली मेंबर थे। तो कुल मिला के ऐसा मुझे लग रहा है कि एक फैमिली अपने फैमिली मेंबर को उन्हीं के काम के ज़रिए, मतलब गाने के ज़रिए, गायकी के ज़रिए श्रद्धांजलि दे रही है। तो इसमें सावन कुमार जी का म्यूज़िक है, तो मुझे लगता है कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है और मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ा भावना से भरा क्षण है इसलिए, क्योंकि मैं अजय साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि ये गायकी की श्रद्धांजलि आगम साहब द्वारा, हम सब के द्वारा अजय साहब तक पहुँच जाए, उनकी आत्मा को शांति दे। सर बात करें किस तरह गाना होगा श्रद्धांजलि के रूप में? ये गाना सावन कुमार साहब ने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है और बहुत अच्छी ट्यून बनाई है, बहुत मेलोडियस ट्यून है, और मोहम्मद अजीज साहब के लिए इतना ही यही होना चाहिए था, मेलोडियस ट्यून ही होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े सिंगर थे, तो उनके जाने का दुख हुआ। और इस वजह से मैं बीमार हूँ तो भी मैं का निर्णय करता हूँ गाने जैसे भी है। आप काफ़ी उनके क्लोज रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसी बातें से? नहीं, ऐसे नहीं, जब भी मिलते हैं हम मिलते थे, कभी रिकॉर्डिंग में कभी या बाहर ऐसे मिलते थे। हमने देखा जहाँ तक वो हमेशा इमोशन हो जाते थे कहीं। हाँ, वो बहुत इमोशनल चीज़ें देखा है। तो आपको ऐसा है क्या होती थी? नहीं, मुझे वो बहुत पसंद थे, उनका बड़े मतलब दिलेर डेरिंग थे, जो करण जौहर के लिए उन्होंने बोला था, जो रफ़ी साहब के लिए करण जौहर ने किया था, और उसका जो क्लास ली थी वो मोहम्मद अजीज, तब से मेरी नज़र में और भी है कि बहुत बढ़िया बोला था। और सबको ऐसा होना चाहिए कि एक इतने बड़े मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर इतनी बदतमीज़ी कर जाए तो उसके लिए एक्शन सबको लेना चाहिए था, लेकिन लिया मोहम्मद रफ़ी ने और मेरे बेटे सोनू निगम ने, बाकी सब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सब ने बोला कि कोई बात नहीं, हमारा क्या, अगर रफ़ी साहब तो गए तो नहीं, ये काट देना यार। सर आप बताना, कि हम भी संगीत दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं और रफ़ी साहब को जो श्रद्धांजलि देते हुए मोहम्मद अजीज जी ने जो गाना गाया था, ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, और वो गाना गाते हुए हर आदमी की आंखें नम हो जाती है रफ़ी साहब के लिए, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम भी मोहम्मद अजीज साहब के लिए कोई ऐसा गाना श्रद्धांजलि के तौर पे पेश करें। और उसी काम के लिए आज निगम साहब ने जो हमें गाना गाने में योगदान दिया है, सावन जी ने जो संगीत बनाया है, तो हम बस उनको एक ये गाने के जरिए श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है। एक गाना प्रोड्यूस करने के पीछे बस एक छोटा सा मकसद था हमारा कि हम मोहम्मद अजीज साहब को नम आँखों से और संगीतमय श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज मोहम्मद अजीज जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए गाना गाया था और जो गाना हर लोगों की ज़ुबान पे आ गया, ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, तो हमारी भी ये छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में कोशिश है कि हम भी ऐसा एक गाना पेश करें जो मोहम्मद अजीज साहब को ज़िंदगी भर चलते रहे और लोग उन गाने को गुनगुनाए और उन्हें याद करें, इसी गाने के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। और इसमें अगम निगम साहब ने बहुत अच्छे से गाना गाया है और सावन जी ने जो उसमें संगीत दे के गाना लिख के जो उसमें जान भरी है, बस लोग उसे पसंद करें। म्यूज़िक बैंक इंडिया के बैनर के तले हमारे यूट्यूब चैनल पे ये गा। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, आज ये मोहम्मद अजीज जी हमारे बीच नहीं रहे तो उनका भी श्रद्धांजलि है तो कैसा फील हो रहा है? हाँ, मेरा नाम मणिवर्णन है, मैं उनकी बहुत सारे गाना रिकॉर्ड किया हुआ है, अभी आज वो हमारे साथ नहीं है तो उसके लिए श्रद्धांजलि के दौर से एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, और वो भी मैं ही कर रहा हूँ, और सावन जी के म्यूज़िक में, और आगम जी ने बहुत अच्छे गाए हैं वो गाना, आगम जी का ही आवाज़ में वो गाना अच्छा लगेगा, और कंपोज भी इतने अच्छे किए,
और उनकी आत्मा को शांति मिले। गाने की बात करें, किस तरह गाना होगा आप बताएंगे? हम तो सर बात करें कि आप काफ़ी क्लोज रहे हैं आप मोहम्मद अजीज़ साहब के, तो काफ़ी समय भी दिया मैंने देखा है, तो कैसा एक्सपीरियंस मतलब कैसा आपके साथ? देखिए, हम जब स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, उनको कुछ चंद म्यूज़िक से जुड़े लोग बहुत प्यार करते थे, जिसमें एक निगम परिवार है, एक शबीर कुमार परिवार है, कुमार शानू परिवार है, उसमें मोहम्मद अजीज़ परिवार है, और उसमें सुनील पाल परिवार है हम स्टैंड अप कॉमेडी को म्यूज़िक परिवार से जो प्यार मिलता था, तो उसमें जब भी मैं इनके साथ में कहीं भी, चाहे सोनू भाई के साथ शो करूँ, चाहे आगम साहब के साथ शो करूँ, चाहे शानूदा के साथ में, या उदित जी के साथ में, या अजीज़ साहब के साथ में, ये लोग हमेशा स्टेज पर बुला लेते हैं हमको, उनके इनके गाने के टाइम में भी बुला लेते कि आप हमारे साथ रहो, कोरस करो, या कुछ बात करो, कुछ ना कुछ हमारे साथ में स्टेज पर रहो, ऐसा मौका, ऐसा हम सौभाग्यशाली रहे हैं। तो उसमें मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ जब भी शो करने का मौका मिलता है, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आपका कॉमेडी जब हो जाए ना, तो आप स्टेज पर आ जाना, ऐसे ही हमारे साथ में खड़े रहना, कुछ भी कुछ ना कुछ बोलते रहना, जैसे गाना खत्म हो जाए तो हम कुछ बातें करेंगे, कुछ यू नो कुछ माहौल बनाते रहेंगे। तो ये हम मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली कलाकार हूँ कि सबके साथ ऐसा मुझे समय गुजारने का मौका मिला, सब ने मुझे इतना प्यार दिया। तो मोहम्मद अजीज़ साहब के लिए ये जो गाना बन रहा है, मैं एक उनका फ़ैन होने के नाते, उनका भक्त होने के नाते, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और मुझे लगता है कि ये गाना हम सब की तरफ से बहुत अच्छा एक श्रद्धांजलि का स्वरूप होगा अजीज़ भाई को, क्योंकि वो हमेशा हंसने हंसाने वाले थे, खुशियां बांटने वाले थे, संगीत से उन्हें प्यार था, मतलब ये कि जहाँ जहाँ खुशी है वहाँ वहाँ अजीज़ साहब का नाम हमेशा शान से लिया जा सकता है। बात करें कोई ऐसा गाना है, गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना हो जो आपके जहन में हमेशा चलता हो, उनके गाने? हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगी, निगाहें हमको ढूंढेगी, निगाहें हमको ढूंढेगी, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे। आपका कोई सब फेवरेट गाना रहा उनका? आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। बात करें आज किस तरह का आपका गाना है जो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कैसा गाना है वो बताइए जी। आज सबसे पहले तो मैं मोहम्मद अजीज़ जी को हम सब की तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ कि आज का जो गाना है अगम जी ने गाया हुआ है, और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आज अगम जी का रिकॉर्डिंग मुझे सुनने को मिला, और जब वो गा रहे थे तो जैसे पूरा उनका जीवन जो है उनके गाने में से पूरा दिख रहा था, वो फीलिंग्स इतने ब्यूटीफुली आ रहे थे, तो बहुत ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है मेरे लिए कि मुझे ये इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े प्रोजेक्ट में मुझे कुछ ना, मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि थोड़ा सा पार्ट में इसमें गा रही हूँ गाने का। सावन जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा भी है, कंपोज भी किया है, और बहुत कुछ सीख रही हूँ ये सब बड़े लोगों से, तो अच्छा लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आदम जी के सिंगर साथ में जी, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ कैसा एक्सपीरियंस गाने का जी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस कह सकती हूँ। जैसे मोहम्मद अजीज़ जी के काफ़ी गाने हम लोग सुनते आए हैं, एक अलग ही टोन था, अलग ही वॉइस था उनका, तो आज ये श्रद्धांजलि के तौर पर ये कुछ हमको एक गाने का मौका मिल रहा है, और उनको इस तरीके से म्यूज़िकल श्रद्धांजलि अर्पित करने को मिल रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। गाना बोल सकते हैं इमोशनल है, जिसमें बहुत सारे इमोशंस, जो सेकंड स्टैंजा है जिसमें उनको उन्होंने मुन्ना करके बुलाया है, तो ये जो फील है वो बहुत ही इमोशनल है, तो जो गाना सुन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गाना सबको बहुत पसंद आएगा, और पूरा फील से, इमोशनल फील से भरा हुआ सॉन्ग है, तो बहुत ही अच्छे। कोई गाना आपका जो जहन में चलता हो मोहम्मद अजीज़ साहब का?
जी वैसे गाने तो बहुत सारे उनके, तो अभी मैं क्या बोलूँ, इतने सारे गाने हैं, पर जो पहला उनका गाना था फिल्म का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने म्यूज़िक दिया था, मर्द टांगे वाला, वो इतना याद में रहा है कि ओके मर्द टांगे वाला, मैं मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है हिंद वाला, मर्द टांगे वाला। थैंक यू। रिंकू भाई, रिंकू भाई, कैम फोटो ले लो, कैमरा है, मैं बाहर ये एक कैमरा रखा है, पिक्चर 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 ले लेना। सर बात करें, आज मोहम्मद अजीज जी की श्रद्धांजलि दे रहे हैं और गाना भी रिकॉर्ड कर, किस किस तरह का गाना है और श्रद्धांजलि किस लिए? देखिए ऐसा है, मुझे नीलेश मेहता जी का फ़ोन आया, नीलेश मेहता जी मनी जी के फ्रेंड, मनी जी ने ही मुझे मिलाया उनसे, और मैं इनके लिए ऑलरेडी पहले से काम कर रहा हूँ, तेजस्वनी भी पहले से काम करी इनके साथ, और आज पहली बार हम लोग संगीत के रूप में मोहम्मद अजीज साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गाना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा गाना बना है, सबको बहुत पसंद आया है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का माइंड जो नीलेश जी ने सोचा है, ये बहुत बड़ा कदम है किसी फनकार को ज़िंदा रखने के लिए, इससे बढ़िया कोई कदम नहीं हो सकता। गाना हमारा सैड सॉन्ग है, और ये गाना मेरे भाई मिस्टर जील सिंह छोकर, उनके अल्फाज थे मेरे पास, ये गाना बहुत पहले की बात है जब लिखा गया था, और आज ये गाना इस तरह से रिकॉर्ड होगा ये मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था, और आज यही गाना पूरी दुनिया में जब रिलीज होगा तो सबको बहुत पसंद आएगा। नहीं, अगम जी को कन्विंस करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने मनी जी का नाम लिया, और मेरे वो फैमिली फ्रेंड है, उनकी फैमिली से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उनको गाना सुनाया, उनको बहुत पसंद आया, और उन्होंने बोला कि यार मैं दिल्ली जाने वाला था लेकिन अब दिल्ली नहीं जाऊँगा, अब मैं ये गाना गाऊँगा। बात करें तेजस्वी कैसा मतलब एक्सपीरियंस कैसा आज के साथ काम करके? तेजस्वी मुझसे कुछ सीख रही है और मैं तेजस्वी से कुछ सीख रहा हूँ। काफ़ी अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छी सिंगर हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी टीम है, एक हमारी पूरी टीम एक साथ काम कर रही है। हम बताइए जी, रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस सावन जी के यहाँ से बहुत अच्छा मिला, क्योंकि सावन जी की एक अलग ट्यून बनाने की एक अलग कुछ उनकी खुद की पहचान है, ट्यून बनाने की, जैसे हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना अपना एक कुछ अलग लहजा होता है, वैसे सावन जी के साथ काम करते करते अभी तक मैंने अराउंड 15 गाने गाए हैं उनके, 15-16 गाने, तो उनका एक जो थिंकिंग है सॉन्ग का, तो अभी पता चलने लगा है कि जैसे ट्यून बनती है तो आगे आगे पता चलता है कि हाँ इसके आगे अभी वो क्या क्या करेंगे, ये सॉन्ग में क्या हो सकता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ उनसे, प्रोनाउंसिएशन है, फिर एग्जैक्टली जो फील चाहिए, जब तक फील नहीं आता है सावन जी हैप्पी नहीं होते, तो गाने में सबसे इम्पोर्टेंट फील है, तो ये सब चीज़ें मैं सीख रही हूँ और बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ ये पूरी प्रोसेस, सिंगिंग की पूरी प्रोसेस। सर ये yes.
बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनके जाने से, और हम लोगों ने उनके साथ बहुत ही काम किया है, बहुत शांत दिमाग के, बहुत डाउन टू अर्थ ऐसे इंसान थे वो, और उनकी अचानक मृत्यु की वजह से बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को हुआ है। और जैसे कि अभी सावंत जी ने आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो म्यूज़िक उस गाने को दिया, और आज हमारी बहुत बड़ी हम भाग्यशाली है जो उनके इस गाने में हम लोग गा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मतलब बहुत ही नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मुन्नादा ऐसा एक इंसान थे कि ऐसा इंसान आजकल के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं। बहुत बड़ा आर्टिस्ट थे और हुनहार थे और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, और उनके साथ मैंने तो खास करके बहुत काम किया। सावन जी ने जो म्यूज़िक दिया, उनकी पिक्चर में भी मुन्नादा के साथ मैंने गाया। आज मैं बहुत दुख महसूस कर रही हूँ और बहुत गर्व इसलिए महसूस कर रही हूँ कि सावन जी के म्यूज़िक में उनको हम श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं आपके तरफ से। कोई तो उनके लिए कोरस में सुना सकते हैं आप लोग जो बहुत जहां मेरे मुन्ना भाई मेरे मोहम्मद अजीज मेरे मुन्ना भाई मेरे मोहम्मद अजीज मेरे मुन्ना भाई। मुन्ना भाई आपको नमस्ते। मेरे मोहम्मद अजीज मेरे मुन्ना भाई। और एक चाहिए आएगा, और एक और आएगा अभी। वन टू फोर। मेरे मुन्ना भाई मेरे मोहम्मद अजीज मेरे मुन्ना भाई मेरे मोहम्मद अजीज मेरे मुन्ना भाई। पेपर किधर है? गाने का पेपर। हाँ जी, हाँ चलाओ। हाँ वो चला। तुझको भुलाना न आसान होगा, गीत तेरे गाएंगे लो। तुझको भुलाना न आसान होगा, गीत तेरे गाएंगे लो। जब तक रहेगी दुनिया ये दुनिया, जब तक रहेगी दुनिया ये दुनिया, नाम तेरा दोहराएंगे लो। तुझको भुलाना न आसान होगा, गीत तेरे गाएंगे लो। सर
चले रोल है। एक मिनट क्या वर्ड फोन म्यूजिक के साथ बना रहे थोड़ा इधर देख लीजिए। मेरे मुन्ना भाई मेरे मोहम्मद अजीज मेरे मुन्ना भाई मेरे मोहम्मद अजीज मेरे मुन्ना भाई। एक ही एंगल से खींच रही है फोटो सब क्यों ऐसा ये दूसरे एंगल से ले रहा अरे मोबाइल